लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट डिस्कस किए थे बीए सेकंड सेम पोइट्री पेपर के, आगे देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है आने की। नेक्स्ट वन 24th वन, क्योंकि 23rd इससे पहले किए जा चुके हैं। हु गेव जॉन कीट्स टू रीड चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर, जॉन कीट्स को किसने बुक पढ़ने के लिए दी थी? चार्ल्स काउटन क्लर्क थे ये। What is the name of John Keats beloved? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जॉन कीट्स की beloved का नाम क्या है? फैनी ब्राउन। Where was John Keats staying when he wrote Ode to a Nightingale? तो वो कहाँ किसके साथ स्टे कर रहे थे जब उन्होंने Ode to a Nightingale ओड लिखा था? He was staying with Charles Brown. Keats died at the age of, जब कीट्स की डेथ होती है तो उस टाइम उनकी एज क्या थी? ही वॉज ओनली 25 years old. वट इज द मीनिंग ऑफ सेंसरा? इट इज पोज। मैनी वर कॉल्ड बट अ फ्यू वर चोजन, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हियर? तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में? एंटी थीसिस। हाउ मैनी स्टेंजा आर देयर इन ओड टू अ नाइटिंगल? ओड टू अ नाइटिंगल में कितने स्टेंजा हैं? टोटल 8. What is the word which brought Keats back to the world of senses? तो Keats का ओड है Nightingale, ओड टू द Nightingale, तो उसमें कौन सा वर्ड होता है जो Keats को वापस से रियलिस्टिक वर्ड में ले आता है, उनको उनकी जो एक प्रेजेंट उनकी रियलिटी होती है उसकी तरफ उनको टर्न करता है? वो एक वर्ड होता है forlorn. Which kind of poem is Ulysses? Ulysses dramatic monologue है जिसे लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने कंपोज किया है। What is the name of Ulysses kingdom? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि Ulysses के किंगडम का नाम क्या है? It was Ithaca. I came, I saw, I conquered. Which figure of speech is used here? इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? या कितनी बार ये भी पूछा जाता है कि ये लाइन कौन से ड्रामा की है या कहाँ से ली गई है? आई केम, आई सो, आई कॉन्क्वर्ड, तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमैक्स और ये जूलियस सीजर की लाइन है जो एक ट्रेजिक ड्रामा था विलियम शेक्सपियर का। देन नेक्स्ट वन, फिर यहाँ पर देखिए फिगर ऑफ स्पीच आया है आपका जॉन कीट्स की, बहुत अच्छी पोयम है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज हियर? तो यहाँ पर क्रिसमस है आपका फिगर ऑफ स्पीच। वट इज द नेम ऑफ यूलिसस वाइफ? यूलिसस की वाइफ का नाम ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोयम में क्या है वहाँ पर? इट इज पेनलॉग। टेनिसन वॉज अप्लाइड द पोएट लुरेट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर हुम? आफ्टर विलियम वर्सवर्थ। ओके, इनको टेनिसन को अप्लाई किया गया था, टेनिसन को ये पोस्ट दे दी गई थी विलियम वर्सवर्थ के डेथ के बाद। व्हाट इज द नेम ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड? टेनिसन के बेस्ट फ्रेंड थे उनके, तो उनका क्या नाम है? आर्थर हेलम। टेनिसन इज नॉन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच एज? तो टेनिसन कौन सी एज के रिप्रेजेंटेटिव हैं या किस एज को वो बिलोंग करते हैं? विक्टोरियन। ओके, आंसर होगा आपका विक्टोरियन एज। ऑन विच पोस्ट मैथ्यू अर्नोल्ड सर्व? तो मैथ्यू अर्नोल्ड किस पोस्ट पर थे? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। वॉट इज डॉवर बीच? डॉवर बीच क्या है? इट इज़ अ सी पोर्ट ऑफ कैंट इंग्लैंड। देन वेयर इज एजियन सी सिचुएटेड? एजियन सी कहाँ पर है जिसे मैथ्यू अर्नोल्ड ने मैंशन किया है अपनी एलिजी में? इट इज़ सिचुएटेड इन एशिया। एक्चुअली इट इज सिचुएटेड बिटवीन एशिया एंड यूरोप। तो आपका दोनों आ सकते हैं या आपका सिर्फ एक भी आंसर आ सकता है? एशिया। वट इज़ द नेम ऑफ अर्नोल्ड्स फ्रेंड? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था आपसे टेनिसन के फ्रेंड का नाम क्या है। ओके, नेम ऑफ टेनिसन्स फ्रेंड, तो यहाँ पर आर्थर हेलम है और यहाँ पूछा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के फ्रेंड का नाम, तो उनके फ्रेंड का नाम है आर्थर ह्यू क्लाउ। इन विच कलेक्शन डज डॉवर बीच पब्लिश? डॉवर बीच पब्लिश हुई थी तो किस कलेक्शन में हुई थी? न्यू पोएम्स। देन 45th वन इज फ्रॉम वेयर द पोएम माई लास्ट डचेस? रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है माई लास्ट डचेस एंड इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन? ड्रामेटिक लिरिक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द फेमस ट्रेजिडी ओडिपस? ओडिपस बहुत फेमस ट्रेजिडी है और इसे किसने लिखा है? सोफोक्लीस ने।
Then next one is, what was the first title given to My Last Duchess by Robert Browning? What was the first title given to My Last Duchess by the poet Italian?